सो स्टूडेंट्स, अभी हमने 4 या 5 कंटिन्यूएशन में एग्जाम्पल लिए, बट सारे क्वेश्चन जो बेस थे वो कंपाउंडेड एनुअली के थे, क्योंकि मैंने स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दिया था, फर्स्ट आई विल टेक कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली का क्या मतलब हुआ कि लेट से हम हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कोई एक पर्टिकुलर मनी बैंक में डिपॉजिट किया, राइट? जब हमने उसे बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक के लिए बहुत मुश्किल है कि हमें डेली का अपडेट दे या मंथली अपडेट दे, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप भी परेशान मत होइए, हम भी नहीं होते, हमें हर साल हर ईयर में कितना हमारा अमाउंट हो रहा है वो बता दे। मीन्स लेट से हमने 10,000 डिपॉजिट किया, तो आफ्टर 1 ईयर हाउ मच इंटरेस्ट विल गेट ऑन दैट 10,000। हमने ये केस लिया, सारे क्वेश्चन उस पर बेस्ड किए, फिर उसके बाद दूसरे साल, तीसरे साल एंड ऐसे कंटिन्यू करा, बट हमने कैसा स्टेटमेंट बैंक से लिया, फॉर 1 ईयर, फिर 1 साल बाद एक और, फिर 1 साल बाद एक और। बट डेफिनेटली आपके माइंड में आएगा कि क्यों ना मैम हम हर 6 मंथ में स्टेटमेंट ले लें या हर क्वार्टर में ले लें। क्वार्टर पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम हर 6 मंथ में ले लें। सबसे पहली बात तो पर मंथ भी आपके माइंड में आएगा, पर मंथ इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर बैंक ऑल्सो, और हमारे लिए भी याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम पहले 6 मंथ ले लेते हैं कि हर 6 मंथ में हमारा जो 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट है वो कितना हुआ, ठीक है? अब जब हम 6 मंथ यानी हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं तो क्या चेंजेस आएंगे वो देखिए। लेट से हमारा टाइम दिया है 2 साल, हमने 10,000 रुपीज जो बैंक में डिपॉजिट किया, इट इज डिपॉजिटिंग फॉर 2 ईयर्स, ठीक है? अब इस 2 ईयर में आप क्या करेंगे, 6 मंथ बाद ही बैंक चले जाएंगे एंड यू विल आस्क द स्टेटमेंट कि अभी हमारा करंट स्टेटस बताओ एक बार। फिर आफ्टर 6 मंथ आप अगेन जाएंगे, मतलब कितनी बार जाएंगे, 2 बार, एंड आफ्टर 6 मंथ, एंड आफ्टर 6 मंथ। ऐसे 2 ईयर्स में आप बैंक के पास स्टेटमेंट लेने कितनी बार जाएंगे, 4 टाइम्स। तो अब टाइम जो है आपका कहने को 2 ईयर है, बट आप जो काम कर रहे हैं वो 4 टाइम्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका टाइमिंग भी चेंज होगा और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी कुछ चेंज आएगा। सो न्यू फॉर्मूला फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चन किया था वो कंपाउंडेड एनुअली किया था, क्योंकि हम साल में केवल एक बार ही बैंक के पास स्टेटमेंट के लिए जा रहे थे। अब जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जो भी टाइम दिया है, लेट्स से 3 ईयर्स दिया है, मीन्स यू आर गोइंग टू द बैंक फॉर 6 टाइम्स। वाई 6 टाइम्स? हाफ 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 एंड हाफ, मीन्स यू आर गोइंग 6 टाइम्स इन 3 ईयर्स। तो बैंक आपको कितनी बार सर्विस दे रहा है, 6 टाइम्स सर्विस दे रहा है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली के केस में माइनर सा चेंज आएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 + r / 100 की प्लेस पे हो जाएगा 200 एंड टाइम की प्लेस पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टाइम। वापस से हम देखते हैं, टाइम हमारा दिया है 4 ईयर्स, 4 ईयर्स मीन्स यू आर गोइंग 8 टाइम्स, तो डबल हो रहा है, तो इसलिए यहां पर क्या हो गया, एन में 2 का मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि बैंक को हर 6 मंथ में आपका स्टेटस बताना है, या आप हर 6 मंथ में अपना स्टेटस जानना चाहते हैं कि जो 10,000 रुपीज हमने डिपॉजिट किया था वो 6 मंथ बाद कितना हो रहा है। तो जब भी आप टाइम बोलेंगे, लेट्स से आप 5 ईयर्स बोलेंगे, तो हाफ ईयरली मीन्स वो 10 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर टाइम क्या हो गया, 2n, और रेट क्या हो गया, 100 की प्लेस पे 200। माइनर सा चेंज है, बाकी क्वेश्चन आपके सारे एज इट इज रहेंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले आप फॉर्मूले को याद कर लें, फॉर्मूला इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r / 200 to the power 2n। सिंपल सा क्वेश्चन, कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 12,000 फॉर 2 ईयर्स, मीन्स 4 बार हो गया, 2 ईयर्स जैसे ही वर्ड आया मीन्स 4 टाइम्स यू वॉन्ट टू योर स्टेटस, तो इसलिए टाइम में 2 का मल्टीप्लाई करना जरूरी था। हाफ ईयरली का मतलब ये होता है कि ईयर में 2 टाइम्स, ठीक है, 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 20% पर एनम व्हेन
कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये फॉर्मूला जब भी अप्लाई करना है जब वो क्लियर मेंशन कर लें कि हाफ ईयरली, ठीक है, अदरवाइज नहीं करना है। अदरवाइज हम एनुअली दिया है तो लास्ट वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन, कब, जब एनुअली दिया हो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जैसा हमने अभी सॉल्व किया था वैसा ही हमें करना है। अमाउंट इज इक्वल टू, पहले गिवन लिख लें, सॉल्यूशन पी इज व्हाट 12,000, आर इज 20%, टाइम और एन इज 2 years, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर बाय 200 टू द पावर 2n। सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 12,000 इंटू वन प्लस आर बाय 200 टू द पावर 2 into 2। यहाँ टाइम डबल क्यों हो रहा है उसका लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। हाफ ईयरली मीन्स साल में दो बार, इन अ ईयर टू टाइम्स, तो वो देखा जाए तो दो पीरियड हो गए, दो टाइम हो गए, इसलिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 10 आ गया। मैंने आपको जैसा बताया कि जनरली यहाँ पर 11/10, 21/10 ऐसे ही फिगर्स आते हैं, 4 टाइम्स है तो हम इसे 4 टाइम्स लिख देंगे। ये सारा कैलकुलेट होने के बाद आंसर देगा 17,569.20 रुपीस, बट दिस इज अमाउंट। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मीन्स 17,569.20 माइनस प्रिंसिपल वॉज 12,000, फाइनली जो सब्ट्रैक्ट होके आएगा 5569.20 रुपीज, ठीक है। कुछ भी नहीं था, केवल हाफ ईयरली होने के कारण फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज था। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 18 months। अगेन यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, रेट एज इट इज दिया है, प्रिंसिपल दिया है, बट टाइम जो है 18 मंथ दिया है। सबसे पहले हम वापस से समझें, वन ईयर अगर इसको हम हाफ ईयरली की बात करें तो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, 6 मंथ हाफ, या आप लिख सकते हैं 6 मंथ एंड अनदर 6 मंथ, बिकॉज वन ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। अब हम 1.5 ईयर की बात करते हैं, ये कितने मंथ के बराबर होता है, 18 मंथ, ये तो सारा आपको ऑलरेडी पता है। अब 18 मंथ डिवाइड होगा 6 मंथ, मैं शॉर्ट में एम लिख रही हूँ, अगेन 6 मंथ। सो आइडियली आप स्टेटमेंट या अपना स्टेटस जो जानना चाह रहे हैं, कितनी बार जानना चाह रहे हैं, 3 बार, 18 मंथ इटसेल्फ इंक्लूड्स 3 टाइम्स, ठीक है। सो 18 मंथ जो है, अगर आपको टाइम ऐसा दिया हुआ है 18 मंथ, तो सबसे पहले तो आप उसे ईयर में कन्वर्ट करें, 18 मंथ इज इक्वल टू 1.5 ईयर, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। कैसे, 18 मंथ में 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर एंड अनदर 6 मंथ इज इक्वल टू 1/2 ईयर, सो टोटल पीरियड कितना हुआ, 1.5 ईयर, ठीक है। 1.5 ईयर में आप स्टेटमेंट और स्टेटस जानना चाहते हैं, कितनी बार, 3 टाइम्स एवरी 6 मंथ। तो देखिए 1.5 का डबल कितना होता है, 3, मींस जो फॉर्मूले में 2n किया है, मैं आपको केवल वो समझाना चाह रही हूँ कि वो 2n क्यों किया है। देखिए 1.5 मतलब
वन एंड हाफ को अगर हम कन्वर्ट करें तो 3/2, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 3, यानी 2n क्यों किया है, ये लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। वन ईयर की बात कर रहे हैं बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, मीन्स यू वॉन्ट 2 times। अगर 2 year की बात कर रहे हैं एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, मीन्स यू वॉन्ट द स्टेटस 4 times। अगर 3 year की बात कर रहे हैं सो यू वॉन्ट टू नो द स्टेटस 6 times। इफ 1.5 year की बात कर रहे हैं सो यू वॉन्ट टू नो द स्टेटस फॉर 3 times। ठीक है, तो ये जो था ये केवल मंथ का मैंने आपको कैलकुलेशन बताया। अब हम जो जो गिवन है वो लिखेंगे, अभी तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं किया, केवल 18 मंथ को कॉन्सेप्ट को समझा कि 3 times होना चाहिए। तो देखिए ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जब हम गिवन लिखेंगे तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। प्रिंसिपल इज गिवन 1000 rupees, रेट इज गिवन 10%, टाइम इज 18 months। सबसे पहले तो आपको जो टाइम दिया है वो लिखें, इस 18 मंथ को आप कैलकुलेट करें ईयर में, सो इट विल 1.5 year। अब जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए आपके पास खुद ब खुद वो 1.5 into 2 हो जाएगा, पी इंटू 1 plus r by 200 to the power 2n। पी इज 1000 into 1 plus r इज वॉट 10 upon 200 into, यहाँ पर आपका था 1.5 means 3/2, इसको यहाँ पर आप और सॉल्व कर लें, 2 ones are 2 and 3/2। यस, ये जरूरी है मिक्स न्यूमरल को कन्वर्ट करना। सो n इज वॉट 3/2 into 2। तो देखिए 3 periods आ गए आपके सामने डायरेक्टली। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लें, 1000 into 0 से 0 cancel, 1/20 + 1 means 21/20 to the power 3, 1000 into 21/20, इसको 3 times लिखना है, 21/20 into 21/20, सो फाइनली इट इज 1157.63 rupees। ये आया आपका अमाउंट, वॉट दे वॉन्ट एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 1157.63 - 1000, प्रिंसिपल सिंपल था, सो योर आंसर विल बी, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके सामने आ चुका है 1573 rupees। टाइम का कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम एवरी 6 months और हाफ ईयरली बोल रहे हैं तो जो भी टाइम दिया था उसका डबल हो रहा है, ये क्लियर हो गया है। अब हम मूव करेंगे क्वार्टरली पे, अगर क्वार्टरली है तो क्या होना चाहिए फॉर्मूला, 2n की प्लेस पे क्या हो जाएगा 4n, और जहां r बाय 100 था, हाफ ईयरली में 200 हुआ, तैसे क्वार्टरली में क्या हो जाएगा 400। तो मैं यही रब करके आपको बताती हूँ कि अगर हमारा हाफ ईयरली है, एनुअली है और क्वार्टरली है तो फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, वापस से हम सारा रिकॉल करते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा, सबसे पहले 100 to the power n, ये जब था, जब आपका था कंपाउंडेड एनुअली, मींस आप हर साल की बात कर रहे थे, आप जो भी ट्रबल बैंक को दे रहे थे या बैंक आपसे ले रहा था वो एनुअली ले रहा था, इस एनुअली में टाइम जो था वो एन था और सिंपली यहाँ पर 100 था। ठीक है, इसके जस्ट बाद हमने पढ़ा ये का यही फॉर्मूला बट थोड़ा सा चेंज, 1 plus r by 200 to the power 2n। इसका लॉजिक मैंने आपको सारे मंथ लेके बताया कि कैसे ये 2n हो रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 2n कैसे हो रहा है मैंने आपको बताया कि 1 year में 2 times आप अपना स्टेटस जानना चाह रहे हैं, 2 year में आप 4 times अपना स्टेटस बैंक से या जो भी इंस्टीट्यूशन है उससे ले रहे हैं, तो इसलिए टाइम 2n हो गया। अब हमने इसे भी छोड़ दिया और मान लीजिए हमने क्वार्टरली की बात करी तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, क्वार्टर मीन साल में कितनी बार आएगा,
उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, 12 मंथ्स को हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 12 मंथ्स। हाफ ईयरली अगर हम बोले सो ये डिवाइड होगा 6 मंथ 6 मंथ। अगर हम क्वार्टरली बोले सो इट विल डिवाइड इनटू 3 3 एंड 3। कितनी बार हो जाएगा? 4 बार। ठीक है, तो 3 3 3 3 मीन्स आप 4 टाइम्स आपने जो भी 10,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया है, आप एवरी 3 मंथ उसका रिकॉर्ड चाहते हैं। 10,000 रुपीज आफ्टर 3 मंथ कितने हो गए? फिर देन नेक्स्ट आफ्टर 3 मंथ कितने हो गए? देन नेक्स्ट आफ्टर 3 मंथ कितने हो गए? एंड देन आफ्टर 3 मंथ्स कितने हो गए? मीन्स आप 4 टाइम्स ट्रबल ले रहे हैं या दे रहे हैं। तो 4 टाइम्स है इसलिए टाइम का क्या हो जाएगा? 4 टाइम। ऐसे अब पूरा 12 मंथ है तो 12 × n हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपको फॉर्मूला खुद ही क्लियर हो गया होगा। हाफ है तो 2x हो रहा है, अगर क्वार्टरली है तो 4 हो रहा है। तो अब जैसा टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला खुद ही बना सकते हैं। सो द स्टूडेंट, ये बहुत ही इजी एंड सिंपल फॉर्मूलाज हैं। एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको एनुअली आए, आपको हाफ ईयरली भी आ सकता है, क्वार्टरली भी आ सकता है, राइट? सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन क्वार्टरली, क्योंकि हमने हाफ ईयरली ऑलरेडी किया, पर एनम ऑलरेडी किया, अब हम क्या कर रहे हैं? क्वार्टरली। फाइंड द कंपोनेंट इंटरेस्ट, बहुत सिंपल ही रहेंगे, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 3,20,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है? अगर यहाँ ये लाइन मेंशन नहीं होती तो आप क्या करते? सिंपली 1 ईयर लेके सॉल्व कर देते। कैसे? अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+R/100 टू द पावर एन। बट यहाँ पर क्या मेंशन है? कंपाउंडेड क्वार्टरली। मीन्स अगर 1 ईयर को हम क्वार्टर में ब्रेक करें इट विल ब्रेक इंटू 4 पार्ट्स। अभी मैंने जस्ट बताया 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ एंड 3 मंथ, तो 4 पार्ट्स हो गए। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+R/400 टू द पावर 4 × n। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली समझ में आना चाहिए। प्रिंसिपल इज गिवन, रेट इज गिवन, टाइम इज 1 ईयर, ठीक है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूले में अमाउंट इज इक्वल टू 3,20,000 इंटू 1+R/400 टू द पावर 4 × 1। तो 4 हो गया, मीन्स 4 पार्ट में निकल रहा है, ठीक है? कैलकुलेशन बहुत सिंपल है तो मैं बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 2 2 4। सो इट इज, एक बार आपके लिए लिख देती हूँ, 1+1/20 टू द पावर 4। ये आ जाएगा 3,20,000 इंटू 21/20 टू दी पावर 4। मैंने जैसे आपको बताया 11, 21, 17, ज़्यादातर ऐसे ही फिगर्स आते हैं। 32,000 इंटू 21/20, 4 टाइम्स है तो हम इसे 4 टाइम्स लिख देंगे। और मैंने आपको बताया कि जीरोस मैक्सिमम कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ भी देखिए 4 जीरोस आपके कैंसिल हो रहे हैं, 2 से 8 ज़ा 2 4 ज़ा एंड 2 2 ज़ा। नॉर्मल में सारा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, 21 फोर टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 2 आ रहा है ना? यहाँ पे आपका जो फाइनल आ रहा है 2 × 21 × 21 × 21 × 21। ये रिजल्ट जो है इट इज इक्वल टू 388,962 रुपीस।
अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली कर रहे हैं तो आपका जो 32,000 था वो क्वार्टरली होने के हिसाब से कन्वर्ट होके आ रहा है 388,962 रुपीज़। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने को बोलते हैं तो ये माइनस कर लेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मैं यहाँ आपको माइनस करके नहीं बता रही हूँ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं तो ये आपके लिए वर्क है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, ये तो सिंपल सा था, 1 ईयर दिया था तो आपको बहुत जल्दी से आ गया। आप जरूरी है 1 ईयर दे, 6 मंथ भी दे सकते हैं, 9 मंथ भी दे सकते हैं, 18 मंथ भी दे सकते हैं। तब क्या होगा, लेट्स से 6 मंथ और क्वार्टरली वाला हम क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहले 6 मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, विच इज इक्वल टू हाफ ईयर, ठीक है। आप देखिए 6 मंथ का जो क्वार्टरली ब्रेकअप होगा, 3 मंथ, 3 मंथ मीन्स 2 टाइम्स यू वॉन्ट द स्टेटस ऑफ योर प्रिंसिपल, 2 टाइम्स। अब जब हम फॉर्मूले में रखेंगे तो देखिए कितना सिंपल होगा, 1 + R/400, 4 × N इज वॉट हाफ ईयर, कितना आया 2। ये जो मैं बार बार आपको समझाना चाह रही हूं कि फॉर्मूले में 4 टाइम्स है क्वार्टर तो क्यों हो रहा है, हाफ है तो 2 टाइम्स क्यों हो रहा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं करना है, हमें बनाना आना चाहिए। अगर 12 मंथ कह दिया है, मंथली कह दिया है, पर एनम नहीं कहा, पर क्वार्टर नहीं कहा, पर हाफ ईयर नहीं कहा और मंथली कह दिया, तो हमारा आर बाय 1200 हो जाएगा और टाइम में 12 × N हो जाएगा। पर्पस मेरा आप समझ गए होंगे, बार बार मैं आपको रिपीट इसलिए किया है। सेकेंड क्वेश्चन जो है, रमेश डिपॉजिटेड रुपीस 7500 इन द बैंक, ठीक है, विच पेज हिम 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, यहां मेंशन कर दिया है क्वार्टरली। जब क्वार्टरली मेंशन किया है तो हमें क्या करना है वो आपको क्लियर हो गया। व्हाट इज द अमाउंट विच ही रिसीव्स आफ्टर 9 मंथ। देखिए मैंने अभी जस्ट आपको कहा ही था कि वो 9 मंथ, 18 मंथ ऐसा कुछ दे सकते हैं। अगेन 9 मंथ को हम ब्रेक करें, 3 मंथ, 3 मंथ एंड 3 मंथ, तो हमारा 3 टाइम्स आना चाहिए टोटल सॉल्व होके, ये क्लियर हो गया है। हम जो 9 मंथ को कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम उसे ईयर में कन्वर्ट करेंगे। टाइम जो दिया है हमारा, टाइम टी और एन कुछ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 9 मंथ। 9 मंथ को अगर हमने कन्वर्ट किया ईयर में तो ऑब्वियस है हम 12 का डिवाइड देंगे तभी ईयर में कन्वर्ट होगा। 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। सो अगर हम ईयर की बात करें तो 9 मंथ इज इक्वल टू 3/4 ईयर्स। अब देखिए पावर में जाएगा तब क्या होगा, प्रिंसिपल गिवन है 7500 रुपीज़, टाइम ले लिया है हमने एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, क्वार्टरली है तो मैंने आपको बार बार रिपीट किया, 1 + R/400, 4 × N। सो अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, सब कुछ गिवन है तो हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, 1 + R इज व्हाट 12% अपॉन 400 टू द पावर 4 × टाइम इज व्हाट 3/4। देखिए 4 और 4 कैंसिल हो गए, टाइम हो चुका है, अब कैंसिल होने के बाद 3 मीन्स 9 मंथ इज इक्वल टू 3 क्वार्टर्स। 3 पार्ट में हमें रिजल्ट चाहिए, यानी जो भी हमने या पर्सन ने मनी डिपॉजिट किया है रमेश ने, वो एवरी 3 मंथ्स स्टेटस चाहता है कि मेरा पैसा कितना हो गया है, ठीक है ना। 7500 × इसको हम कैंसिल करें, 4 × 3 = 1200 आ गया, 1 + 3/100 टू दी पावर 3, 7500 × ये सॉल्व हो गया होगा 103 टू दी पावर 3।
7500 इंटू 103 बाय 100, तीन टाइम्स है तो 103 बाय 100 इंटू 103 बाय 100। इसको जब हम फाइनल सॉल्व करेंगे सो इट विल गिव यू 8195.45 रुपीस। सो आपका अमाउंट जो होगा, प्रिंसिपल था 7500 और अमाउंट जो आया है दैट इज़ 8195.45 रुपीस। अगर इसमें वो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं तो हम अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके वो पर्टिकुलर एक्स्ट्रा अमाउंट भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो दोस्तों, हमने कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड देन कंपाउंडेड क्वार्टरली पढ़ा। साथ में हमने रेट में भी वेरिएशन लिए कि हमेशा ऐसे 10% 12% नहीं देंगे, कभी वो मिक्स न्यूमरल में भी दे सकते हैं, कभी डेसिमल में भी दे सकते हैं और कभी पैसे में भी दे सकते हैं। तो हमने पैसे को रुपए में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी सीखा। सो नाउ अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की।